रंग चुनाव का चढ़ गया है। कोरोना और बाढ़ के मुद्दे भी चुनावी हो गए हैं। अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से चुनावी मुद्दों को लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन विपक्ष महामारी और बाढ़ को लेकर लगातार सरकार को निशाना बना रहा है। आज तेजस्वी यादव एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर मैदान में उतरे और सरकार पर आंकड़ों के पीछे अपनी नाकामी छुपाने का आरोप लगाया। कोरोना और बाढ़ में चुनावी संग्राम, सरकार पर विपक्ष का तेज वार, नाकामियों को आंकड़ों से छुपाया। बिहार में महामारी और बाढ़ की अशांति के बीच चुनावी शोर भी सुनाई देने लगा है। लगातार इन दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर इसे लेकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने 84 लाख की आबादी के बाढ़ से प्रभावित होने को लेकर राज्य के साथ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया तो केंद्र सरकार को बिहार की मदद न करने का दोषी बताया। हमारे कई बार कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आनन फानन में केवल 2 बार हेलीकॉप्टर से यात्रा करने गए। क्या केंद्र सरकार इतनी भी गंभीर रही कि अपना समीक्षा के लिए केंद्र टीम भेजी हो, या इन्होंने बाढ़ के लिए केंद्र से सहायता मांगी कि नहीं मांगी? तेजस्वी जी, जगह समय तिथि तय कीजिए, आपके एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ, पर आग्रह है आपका इस तरह के कंफ्यूजन बिहार के जनता के बीच ना फैलाएं। आरजेडी के आरोपों का समर्थन कांग्रेस ने भी किया और नीतीश सरकार पर झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया तो बीजेपी भी चुप नहीं रही और पलटवार करते हुए कोरोना काल में तेजस्वी के बिहार में न होने का मुद्दा उठाया। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जिन उदाहरणों को सामने रखते हुए मुख्यमंत्री पर राजनीतिक आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूं उन आरोपों में कहीं न कहीं दम तो है। इस पूरे कोरोना काल में और बाढ़ के समय में तेजस्वी यादव बिहार की जनता में भ्रम फैलाने का और झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं किए। पहले तो कोरोना काल में वो बिहार छोड़कर बाहर ऐसमोज करते रहे और जब आए तो कोरोना योद्धाओं का मनोबल तोड़ना और झूठ बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं किए। 2 बड़े संकट के बीच बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कोरोना और बाढ़ के मुद्दे को भुनाने में विपक्ष पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन ये मुद्दे आम लोगों के लिए कितने अहम हैं, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। रजनीश के